अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा सोहागपुर के द्वारा गुरुवार दोपहर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बैंकों द्वारा चिल्लर नहीं लेने की शिकायत की गई है। ज्ञापन राजस्व निरीक्षक आर के दुबे को सौंपा गया है। ग्राहक पंचायत नगर अध्यक्ष शरद चौरसिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों व ग्राहक पंचायत सदस्यों ने राजस्व निरीक्षक को बताया कि बैंकों के द्वारा ग्राहकों से खातों में जमा करने के लिए एवं ऋण की किश्त के रूप में चिल्लर नहीं ली जाती है, जबकि बैंकों में नियम है कि 1,000 रुपए तक की चिल्लर ग्राहकों से ली जा सकती है। इधर ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यदि बैंकों के द्वारा ग्राहकों से नियमित रूप से नियमानुसार चिल्लर लेने का कार्य शुरू कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए की नगर में जाम पड़ी व अनुपयोगी समझ आ रही चिल्लर चलायमान हो सकती है, जिससे व्यापार के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सकता है। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान शरद चौरसिया सहित व्यापारीगण मनोज अग्रवाल, प्रवीण साहू, प्रशांत मालविया, मनोज सोनी, रमेश साहू, दीपक साहू आदि उपस्थित थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सोहागपुर से अमित बिल्लौरी की रिपोर्ट।